प्रिया सिंह और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश खबरों के पंच में। हमारी इस खास पेशकश में आप सरल सटीक और सुपर फास्ट अंदाज उन बड़ी खबरों को जाने और समझेंगे जो सुर्खियों में है। आइए बिना समय गवाए जानते हैं आज की अभी तक की बड़ी खबर। चुनावी लड़ाई में माँ का साथ देने के लिए मैदान में उतर आया बेटा सम्राट। दिन भर मचे हंगामे के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे के खिलाफ दिए गए बयान को लिया वापस। चुनाव जीतने के लिए नेताओं के नए नए हटकंडे, कोई संन्यास ले रहा नौकरी से वीआरएस तो कोई राजनीति से वीआरएस। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहरामपुर सीट से 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। कलंक फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर दर्शकों का रिएक्शन नकारात्मक। अब खबरें विस्तार से। चुनावी लड़ाई में मां का साथ देने के लिए मैदान में उतर आया बेटा सम्राट। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के बेटे सम्राट की, जो हर जगह मां को जिताने के लिए घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं और सभाएं भी कर रहे हैं। दरअसल रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा का मुकाबला समाजवादी पार्टी आजम खान से है। इस सीट पर दोनों के बीच सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर जयाप्रदा के बेटे मां को सपोर्ट करने मैदान में उतर आए। वहीं दिन भर मचे हंगामे के बाद आखिरकार प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे के खिलाफ दिए गए बयान को वापस ले लिया है और उन्होंने इनके लिए माफी भी मांगी है। उनके बयान में बीजेपी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 26/11 मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे के खिलाफ दिया अपना बयान वापस ले लिया है, जिससे बीजेपी ने भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया था। बयान पर मचे हंगामे के बाद आज उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया कि मेरे बयान से देश के दुश्मनों को फायदा हो रहा था, इसलिए मैं अपना बयान वापस लेती हूं और माफ़ी मांगती हूं। ये मेरा निजी दर्द था। आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए उन्हें गोली लगी थी। ये निश्चित तौर पर एक शहीद है। चुनाव जीतने के लिए हर नेता नए हटकंडे आजमा रहा है। कोई संन्यास ले रहा, कोई नौकरी से वीआरएस तो कोई राजनीति से वीआरएस। आपको बता दें कि हाल ही में वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए और चुनाव लड़ाने के लिए राजनीति से वीआरएस ले लिया और उनके बेटे ब्रिजेंद्र ने अपनी आईएएस नौकरी से वीआरएस ले लिया है। वहीं यूपी के धोरहरा से कांग्रेस के उम्मीदवार जितिन प्रसाद चुनाव के मैदान में कह रहे हैं कि अगर इस बार जनता ने उन्हें नहीं जिताया तो वो संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह साल 2022 तक राज्यसभा सदस्य हैं। वीरेंद्र सिंह 5 बार 1977, 1982, 1994, 1996 और 2005 में उचाना से विधायक बन चुके हैं और 3 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। 1984 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश चौटाला को हराकर सांसद बने थे। साल 2010 में कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य बने थे, लेकिन 2014 में कांग्रेस से 42 साल पुराना नाता तोड़कर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। जून 2016 में भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा में भेज दिया था। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहरामपुर सीट से 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने मौजूदा सांसद अधीर रंजन चौधरी को चुनावी रण में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने अपूर्वा सरकार को टिकट दिया है। बता दें कि बहरामपुर सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल की राजनीति में दमखम रखने वाले अधीर रंजन चौधरी का दबदबा रहा है। अधीर चौधरी 1999 में बहरामपुर सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। अधीर चौधरी ने 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की और सांसद चुने गए। बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी खबर के बारे में। आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा जैसे सितारों में सजी फिल्म कलंक ने पहले दिन की कमाई के मामले में 2019 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन इस फिल्म की कमाई ने भारी गिरावट आई है। इस फिल्म ने तीसरे दिन यानी शुक्रवार को सिर्फ 11.60 करोड़ की कमाई की है। ऐसा माना जा रहा था कि ये फिल्म शुक्रवार को अच्छी कमाई करेगी क्योंकि ये छुट्टी का दिन था, लेकिन कमाई के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आ रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म को समीक्षकों ने बहुत ही खराब बताया है और रेटिंग भी अच्छी नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर भी दर्शकों का रिएक्शन नकारात्मक ही है। खबरों के पंच में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए सच कहूं न्यूज के साथ। धन्यवाद।